एक ऐसा मिशन जिसने हमें सौरमंडल के उन रहस्यों से रूबरू कराया जिनके बारे में शायद ही हम कभी जान पाते। आज डीप स्पेस नेटवर्क में यात्रा करने वाले इस स्पेस प्रोब ने 42 साल पहले पृथ्वी की सतह से उड़ान भरी थी, लेकिन अब ये मिशन अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है। अपनी पावरफुल योजना और बेहतरीन तकनीकी के चलते ये नासा के सबसे सफल मिशन्स में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर 2 की। आज पृथ्वी से 18 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट यूनिवर्स का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी ये ऑपरेटर से कम्युनिकेट कर पा रहा है। इस मिशन ने एस्ट्रोनॉमर्स को कई कामयाबी दिलाई। चलिए नजर डालते हैं इस स्पेस प्रोब की यात्रा पर। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। वॉयेजर 2 20 अगस्त 1977 में केप कनावरल से लॉन्च हुआ ये स्पेस प्रोब नासा के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग स्पेसक्राफ्ट में से एक है। इस स्पेसक्राफ्ट को नासा ने बाहरी ग्रहों की स्टडी के लिए लॉन्च किया था। हालांकि इस स्पेस प्रोब का नाम वॉयेजर 2 है, लेकिन इसको वॉयेजर 1 से 16 दिन पहले अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। नासा का ये दूसरा ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया। 1977 से नासा के लिए काम कर रहा ये एक अकेला ऐसा यान है जिसने यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा की। आउटर सोलर सिस्टम में अपनी यात्रा के दौरान इस प्रोब ने सभी गैस जाइंट्स का दौरा किया और उनके कई मून्स का पता लगाया। हालांकि ये यान काफी कुछ अपने ट्विन की तरह था, लेकिन इसका जर्नी पाथ वॉयेजर 1 से काफी कुछ अलग होने के साथ धीमा भी था। इसे धीमा रखने का कारण यूरेनस और नेपच्यून थे, ताकि ये प्रोब इन दोनों गैस जाइंट्स तक आसानी से पहुंच सके। इसकी यात्रा के दौरान इसके रास्ते में जब सैटर्न ग्रह आया, तब उसकी ग्रेविटी के कारण यह यूरेनस की ओर चला गया। इस वजह से ये भी वॉयेजर 1 की तरह ही जुपिटर के चंद्रमा टाइटन की ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने वाला प्रथम यान था। वॉयेजर 1 की तरह ही वॉयेजर 2 को भी हमारे सौरमंडल के एजेस को ढूंढने और उनका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1989 में नेपच्यून की ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसे इलेप्टिकल प्लेन से नीचे वाले कोर्स पर सेट कर दिया गया, जिसके कारण ये 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने में कामयाब रहा। 1998 में इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने पावर को बचाने के लिए इसके कई इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑफ कर दिया। हालांकि उनमें से 6 इंस्ट्रूमेंट आज भी काम कर रहे हैं और अनुमान है कि 2025 तक हमें इससे डेटा मिलता रहेगा। इट्स फर्स्ट अचीवमेंट्स। वॉयेजर 2 सौरमंडल के सभी गैस जाइंट्स का अध्ययन करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। वॉयेजर 2 ने जुपिटर के 14th चांद की खोज की। वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून से गुजरने वाला पहला फर्स्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट था। यूरेनस पर वॉयेजर 2 ने 10 नए चंद्रमा और 2 न्यू रिंग्स खोजे। नेपच्यून में वॉयेजर 2 ने 5 चंद्रमा, 4 रिंग्स और एक ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की। हिस्ट्री। 2 स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर मिशन को असल में ग्रैंड टूर के प्लान को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि 1970 के दशक में 5 बाहरी ग्रह का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जा रहा था। फिर 1972 में प्रोजेक्ट की ज्यादा कॉस्ट के चलते नासा ने इसे कैंसिल कर दिया और इसकी जगह पर जुपिटर और सैटर्न पर 2 स्पेस प्रोब को लॉन्च करने का मिशन बनाया। इन 2 अंतरिक्ष यान को पायनियर 10 और पायनियर 11 से ज्यादा जानकारी इकट्ठे करने और साथ ही 2 गैस जाइंट्स की स्टडी के लिए डिजाइन किया गया था। 1974 में मिशन पायनियर्स ने एक मिशन का प्रस्ताव रखा, जिसमें अगर पहला वॉयेजर सफल रहा तो दूसरे को ग्रेविटी असिस्टेड मैन्यूवर्स का इस्तेमाल कर यूरेनस और फिर नेपच्यून पर भेजना था। ग्रहों और उनके चांद की तस्वीरों को लेने के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट में स्लो स्कैन कलर टीवी कैमरा के साथ एक इंस्ट्रूमेंट और दिया गया था, जो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेयर, उनके चांद और प्लेनेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ डेटा रिकॉर्ड करने के लिए दिया गया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का नाम पहले मैरिनर्स 11 और मैरिनर्स 12 रखने के बारे में विचार किया जा रहा था, लेकिन फिर नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स सी फ्लेचर द्वारा इसे बदलकर वॉयेजर कर दिया गया। जुपिटर। 24 अप्रैल 1979 से वॉयेजर ने जुपिटर की तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद ये प्रोब जुपिटर के चंद्रमा के करीब से गुजरा, खासकर यूरोपा और आयो के ज्यादा पास से। एनकाउंटर के दौरान इस प्रोब ने जुपिटर के ज्यादातर मून्स की काफी खूबसूरत तस्वीरों को कैप्चर किया। 6,45,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरते हुए वॉयेजर ने जुपिटर के गैसीय बादलों के बारे में डेटा इकट्ठा किया,
साथ ही इसके चार नए चांद खोज निकाले। इस प्रोब ने रिंग सिस्टम के बारे में पता लगाने के साथ साथ 17,000 नई तस्वीरें ली। वॉयजर 2 ने जुपिटर पर कई महत्वपूर्ण बदलावों का पता लगाया। इसमें ग्रेट रेड स्पॉट के ड्रिफ्ट के साथ इसके आकार और रंग में आए बदलाव भी शामिल थे। वॉयजर 2 ने जुपिटर के रिंग्स के तीसरे कंपोनेंट का भी पता लगाया, सैटर्न। जुपिटर से गुजरने के बाद वॉयजर 2 ने अपना रुख सैटर्न की ओर किया। सैटर्न से गुजरते समय इस प्रोब ने इसके चांद और रिंग्स की काफी खूबसूरत तस्वीरों को कैप्चर किया। इस यान में फोटो पोलराइमीटर वो इंस्ट्रूमेंट था जो वॉयजर 1 पर काम करने में असमर्थ हो गया था, लेकिन वॉयजर 2 पर इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स को प्लैनेट के रिंग्स को हायर रेजोल्यूशन में देखने को मिला। साथ ही इसकी मदद से सैटर्न के कई नए रिंगलेट्स की भी खोज हुई। यूरेनस। इन दोनों प्लैनेट के एनकाउंटर के बाद वॉयजर को यूरेनस की यात्रा पर भेजा गया। इस फ्लाईबाई के दौरान वॉयजर ने यूरेनस के 10 नए मून्स के बारे में पता लगाया। इसके साथ ही इस प्रोब ने 2 नई रिंग्स के साथ यूरेनस पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी दी, जो कि सैटर्न पर पाए जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस अंतरिक्ष यान ने यूरेनस के वायुमंडल में हवा की गति 724 किलोमीटर प्रति घंटा पाई और बादल की सतह के नीचे इसे एक बॉइलिंग वाटर ओशन के होने के प्रमाण मिले। इसके साथ ही वॉयजर 2 ने यूरेनस के 5 चांद की कई तस्वीरें खींची। मजे की बात है कि वॉयजर 2 द्वारा की गई स्टडी में इस बात की भी पुष्टि हुई कि सन फेसिंग पोल का औसत तापमान भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले तापमान के समान है। यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण ने अंतरिक्ष यान को उसके अगले डेस्टिनेशन की ओर जाने में मदद की। नेपच्यून। नेपच्यून पर जाने के लिए इस प्रोब को 7 बिलियन किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ी। जब ये यान नेपच्यून के ऊपर से गुजरा तो ये इसके सभी फ्लाईबाई की तुलना में सबसे क्लोजेस्ट फ्लाईबाई था। इतनी दूर पहुंचने के बाद भी इस यान के 10 इंस्ट्रूमेंट अभी भी काम कर रहे थे। वॉयजर ने नेपच्यून के 6 नए चांद को खोज निकाला। ये ग्रह वैज्ञानिकों की सोच से काफी ज्यादा एक्टिव निकला। जांच करने पर पाया गया कि नेपच्यून पर हवा की रफ्तार 1100 किलोमीटर पर आवर है। स्टडी के दौरान ये भी पाया गया कि इस ग्रह की सतह पर सबसे कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन है। साथ ही इस ग्रह की सतह पर मीथेन भी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये नीले रंग का दिखाई देता है। इससे मिली तस्वीरों के माध्यम से इसके 3 फीचर्स के बारे में जानकारी मिली। ये तीनों फीचर्स द लेजर डार्क स्पॉट, द ग्रेट डार्क स्पॉट एंड स्कूटर थे। वॉयजर ने नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन के 2/3 हिस्से की तस्वीरें ली, जिससे ये बात सामने आई कि ट्राइटन हमारी सौरमंडल का सबसे ठंडा प्लेनेटरी बॉडी है और इसकी सतह पर नाइट्रोजन आइस का एक वॉल्केनो है। स्पेसक्राफ्ट के लॉन्चिंग के 21 साल बाद इसके नॉन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट को टर्न ऑफ कर दिया गया। आज ये यान हीलियोस्फीयर से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। जुलाई 2019 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के बाद भी वॉयजर 2 ने 5 इंस्ट्रूमेंट से डेटा भेजना जारी रखा। इस यान को पृथ्वी से लॉन्च हुए 42 साल हो चुके हैं और कमाल की बात है कि नासा 42 साल से इनकी मदद से काफी डेटा इकट्ठा कर रहा है। साल बीतने के साथ इस स्पेसक्राफ्ट की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और हीटर्स को चलाने की शक्ति में कमी आने के कारण नासा के इंजीनियर्स ने जुलाई 2019 को इसके थ्रस्टर्स को बंद करने का फैसला किया। साथ ही इसके कॉस्मिक रेज इंस्ट्रूमेंट सबसिस्टम में लगे हुए हीटर को भी बंद कर दिया गया। वॉयजर में लगा हुआ ये इंस्ट्रूमेंट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का पता लगाता है। वो प्लाज्मा और मैग्नेटोमीटर नाम के 2 इंस्ट्रूमेंट के लिए काम करता है। ये फैसला नासा के पावर मैनेजमेंट प्लेन के तहत लिया गया ताकि वॉयजर 2 में ज्यादा से ज्यादा शक्ति को बचाया जा सके और ये इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ता रहे। दरअसल अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की सुविधा दी गई है। जैसा कि इन्हें लॉन्च हुए 42 साल हो चुके हैं, ऐसे में साल दर साल इनकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमताओं में कमी आ रही है। ये स्पेसक्राफ्ट हर साल पिछले साल की तुलना में लगभग 4 वॉट कम बिजली का उत्पादन करता है, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि स्पेसक्राफ्ट आज अपनी लॉन्चिंग के समय से 40% कम बिजली बना रहा है और वक्त के साथ इस आंकड़े में इजाफा होता चला जाएगा। आज वॉयजर्स की सूरज से दूरी 18 बिलियन किलोमीटर है। इतनी दूरी से सूरज की गर्माहट का पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए इसके थ्रस्टर्स को इस उम्मीद से बंद कर दिया गया है कि ये ज्यादा दूरी तय कर सके और ज्यादा समय तक डेटा रिलीज कर सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में वॉयजर 2 डीप स्पेस की नई जानकारी के साथ उन्हें सरप्राइज करेगा और अभी भी इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।